एग्जाम्पल नंबर 37 मोशन इन ए प्लेन का हमसे ये कंडीशन दे रखी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के इक्वल है, और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि जो ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर वो सी के स्क्वायर है। तो प्रूफ करके दिखा दो कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ए और बी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये आपको बताना। तो बड़ा सिंपल सा, आप तो बिल्कुल आंखें बंद करके जो दे रखा आपको वो ले लो, सी वेक्टर दे रखा आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये लिख दोगे हेयर, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, ये आपको सी वेक्टर दे रखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आप सी का मैग्नीट्यूड निकालोगे और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो जब आप इसका मोड निकालोगे तो आपको इसका भी मोड निकालना पड़ेगा, मोड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड। और जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आपको पता है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर कर दो, या फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका सी कह दोगे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप इसको सी कह दो, सी स्क्वायर मत कहो, सी स्क्वायर ना कह करके आप सी दिखाओ। और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप करोगे क्या, इसके मैग्नीट्यूड के लिए, इसके मैग्नीट्यूड के लिए ये करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, थीटा ये वो एंगल है जो ए और बी के बीच बन रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, जैसा दे रखा था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया, कंडीशन दे रखी थी उसी को मैंने उठा लिया। स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट जो है जब इधर आएगा तो इधर स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा, तो आप लिख दोगे सिंस सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ऐसा जो है वो गिवन है, तो इसको यूज करो, सी की जगह क्या रख दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर भी क्या चल रहा था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। अगर मैंने गलत किया हो तो बताओ, क्या सही नहीं किया मैंने, बिल्कुल सही किया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा माइनस में, तो ये 2ab cos थीटा जो बचा वो बचा जीरो के। तो इसका मतलब ये हुआ 2ab तो जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए cos थीटा को ही जीरो के बराबर होना पड़ेगा। अब cos थीटा जो है जीरो पर कब होता है, cos 90 डिग्री, इट मीन्स थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा किस किस के बीच का एंगल था, थीटा था ए और बी के बीच का एंगल, तो यहाँ को लिख सकते हैं हेयर थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन ए एंड बी ऐसे ब्रैकेट में। तो आपने बता दिया थीटा जो है 90 डिग्री आया, तो यही तो पूछा था ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप लिख दोगे यस यस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बस खत्म। तो इतने छोटे छोटे क्वेरीज हैं, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, समझ लो, इजी है और अच्छे क्वेश्चन भी हैं।